नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपको टॉपिक जो पढ़ाने जा रही हूँ वो करंट और समसामयिकी की दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है और आगे आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट है। राजस्थान में जो योजनाएं चल रही है, राजस्थान में जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनमें से आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है, तो इसके लिए मैंने आपको ये वीडियो आपके लिए ये वीडियो बनाया है विद्यार्थियों। तो आज मैं आपको इन तीन योजनाओं के बारे में बता रही हूँ, इसको आप ध्यान से सुनो। पहली है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। हमारी राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का शुभारंभ किया गया और इसका उद्देश्य यही था कि जो भी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान है, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, उसमें जो भी रोगी आ रहे हैं उनको निःशुल्क दवा उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे वो अंतरंग रोगी हो चाहे वो बहिरंग रोगी हो, दोनों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाए जाने की राजस्थान सरकार की ये योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, जिसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 2011 को हुआ। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है और जहां से क्वेश्चन पुट अप किया गया है वो ये बात है विद्यार्थियों, वो क्या है कि 2017-18 में जो दवाइयों की संख्या थी वो वो है 608, जिसको 2019 और 20 में बढ़ा करके 712 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएगी। राजस्थान सरकार के द्वारा 2019 और 20 में यह प्रावधान किया गया कि अब जो दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएगी वो है 712। इससे पहले जो दवाइयां उपलब्ध करवाई जाती थी वो कितनी थी? 608। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एक क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब हुई। तो 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का शुभारंभ किया गया था। उसके बाद आता है नेशनल हेल्थ पॉलिसी, हर महीने रैंकिंग जारी करता है और राजस्थान निःशुल्क दवा वितरण में कई बार प्रथम स्थान पर रहा है और विश्व में सबसे बड़ी जो निःशुल्क दवा योजना है वो है आपकी निःशुल्क दवा योजना। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2011 को हुई। दूसरी जो आपकी योजना है वो है विद्यार्थियों मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की शुरुआत 7 अप्रैल 2013 को हुई। कब हुई विद्यार्थियों? इनकी डेट सबकी याद रखना है, सन याद रखना है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा पूछ ले तो 2011 है और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना पूछ ले तो 7 अप्रैल 2013 है। 7 अप्रैल को विद्यार्थियों विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को, इसीलिए निःशुल्क जांच योजना की शुरुआत 7 अप्रैल 2013 में की गई थी और जो है 2017-18 में 70 जांचें होती थी जिनको बढ़ा करके 2019 और 20 में 90 प्रकार की जांचें जो है अब की जाने लगी है। तो दो योजनाएं आपने पढ़ ली, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और दूसरी है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। तीसरी योजना है विद्यार्थियों निरोगी राजस्थान अभियान। निरोगी राजस्थान अभियान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 17 दिसंबर 2019 को इस अभियान का शुभारंभ किया गया और हमारा 2020 और 21 का जो बजट आया है उस बजट में भी 100 करोड़ का फंड का निवेश किया गया है निरोगी राजस्थान अभियान में। निरोगी राजस्थान अभियान में राजस्थान के बजट से 100 करोड़ का फंड निवेशित किया गया है। प्रत्येक जिला अपना प्रबंधन करने के लिए 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इस निरोगी राजस्थान अभियान का उद्देश्य यही है कि डिजिटल आधार पर हेल्थ का क्या किया जाना, सर्वे किए जाने के लिए जो अभियान चलाया गया है
17 दिसंबर 2019 को। उस अभियान का नाम है निरोगी राजस्थान अभियान। तो ध्यान रखना, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 को, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013 को और निरोगी राजस्थान अभियान 17 दिसंबर 2011 को। इन तीन योजनाओं के बारे में आज आपने पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आयुष्मान भारत योजना सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है।